यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। सेवा स्थायीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गढ़वा जिले में मनरेगा कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 16वें दिन भी जारी रहा। नीलांबर पीताम्बर पार्क गढ़वा में धरना पर डटे मनरेगा कर्मियों ने आज अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, जहां मनरेगा कर्मियों ने कहा कि स्थायीकरण नहीं होने तक सरकार समान काम के लिए समान वेतन दे। दूसरी ओर कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से जिले भर के मनरेगा कार्यों में बुरा असर पड़ रहा है। आक्रोशित मनरेगा कर्मियों ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य के नाम पर मनरेगा कर्मियों का भयादोहन मानसिक शोषण किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा तमाम मांगों से संबंधित संकल्प पत्र जारी होने तक हड़ताल को जारी रखा जाएगा। के तत्वावधान में गढ़वा जिला इकाई आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 16वां दिन नीलांबर पीताम्बर पार्क में धरना के रूप में बैठा हुआ है। हम लोग विगत 1/10/2018 से अपनी न्यायिक मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों के 5 सूत्री मांगों में सरकार गंभीर नहीं है। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, पहला अस्थायीकरण, जिनकी सेवा 10 वर्ष से अधिक हो गई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो संविदा कर्मी 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं उनको तत्काल नियमित करते हुए उनका नियमितीकरण के समान ही संपूर्ण मांगों को देना है। और दूसरा है, जब तक आप पूरे कन्फर्म रूप से नियमित नहीं कर देते हैं तब तक उनको समान काम का समान वेतन तत्काल लागू करना है।